कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर के स्कूलें बंद होने से बीते कई महीनों से शालेय पोषण आहार वितरण योजना से लाभार्थी वंचित थे। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा स्कूलों के माध्यम से दोबारा पोषण आहार का वितरण शुरू किया गया। दिग्रा शहर की दिनबाई विद्यालय में भी इन दिनों कतारों में खड़े लाभार्थी विद्यार्थियों के परिजन इसका बड़ी संख्या में लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के प्रादुर्भाव से बचने के लिए देश भर के स्कूलों को बंद किए जाने से विद्यार्थियों का न सिर्फ शैक्षणिक नुकसान हो रहा बल्कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद से विद्यार्थियों और उनके परिजन सरकार की शालेय पोषण आहार से भी वंचित है। ऐसे में इस समस्या से लाभार्थियों को निजात दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य की सभी स्कूलों से संबंधित योजना के तहत हाल ही में पोषण आहार की आपूर्ति शुरू की है, जिसका लाभ संबंधित स्कूलों के 5वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परिजनों को मिलना शुरू हो चुका है। दिग्रा शहर के दिनबाई विद्यालय में भी शालेय पोषण आहार का वितरण जारी है। यहां पर रोजाना सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लंबी कतारें नजर आ रही है, जिसमें विद्यार्थियों के परिजनों को उनके हिस्से का पोषण आहार आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बाबत विद्यालय के मुख्याध्यापक पवन राव पुटले ने BCN को जानकारी दी। शालेय पोषण आहार सध्या COVID-19 मुळे बंद आहे, खिचडी शिजवणं बंद आहे आणि मुलांचं चांगल्या रीतीनं पोषण व्हावं यासाठी शासनातर्फे तांदूळ, मूग डाळ आणि चणा याचं वाटप करण्यात येत आहे। हे वाटप इयत्ता 5वी ते 8वीला असते, 1 ते 8ला असते, पण आमची शाळा 5 ते 12 आहे, त्यामुळे आमच्या इथे 5 ते 8 या 4 वर्गांना हा तांदूळ आम्ही वाटप करतो। परंतु उन्हाळ्यातला काही पोषण आहार आलेला आहे आणि 9व्या वर्गातले मुलं 8व्या वर्गात होते गेल्यावरती, तर तो सुद्धा त्यांना सुद्धा देण्यात येणार आहे। वेगवेगळ्या वर्गांना वेगवेगळ्या प्रमाणात तांदूळ, मूग डाळ आणि चणा यांचं वाटप करण्यात येते। किती दिवस सुरू राहणार सर होते? हे रोज एक वर्ग असतो, काल 6वा वर्ग झाला, आज 7वा वर्ग, उद्या 8वा वर्ग आणि परवा 9वा वर्ग, आणि 5वीचे ॲडमिशन सध्या फुलफिल झाल्या नाही, त्यामुळे तो पुढच्या हप्त्यात आम्ही ते वाटप करणार आहोत। इस योजना को अमल में लाने और इसका लाभ विद्यार्थियों के परिजनों तक पहुंचाने के लिए दिनबाई विद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी अपना योगदान दे रहे, ताकि इस योजना के लाभ से कोई भी विद्यार्थी महरूम न रहे। यही वजह है कि विद्यालय के उप मुख्याध्यापक YM दुदे ने BCN के माध्यम से शेष विद्यार्थियों के परिजनों से नियोजित समय पर पहुँच कर लाभ उठाने की अपील की है। राज्य सरकारमार्फत आलेला, केंद्र सरकारमार्फत जी पोषण आहार आहे तिथं वाटप सुरू आहे, तरी ज्या विद्यार्थी किंवा ज्या विद्यार्थ्यांचं पोषण आहार अजून नेलेला नाही, त्या सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या पालकांना या नियोजित वेळेमध्ये पाठवून ते आपला पोषण आहार घेऊन जावे। धन्यवाद। शालेय पोषण आहार योजना का लाभ मिळणे से जरूरतमंद विद्यार्थियों के परिजनों ने समाधान और खुशी जताई। शालेय पोषण आहार वितरण के इस काबिलेतारीफ उपक्रम को सफल बनाने के लिए दिनबाई विद्यालय के मुख्याध्यापक पवन बुकले, उप मुख्याध्यापक YM दुधे, स्वास्तिकर सर, फैजान सर, सुमी चौधरी सर, अमोल सर, चांदीकर सर, अग्रवाल सर, झोल सर सहित अजब, असवार, प्रफुल्ल आगे, पंकज पारधी, चंदन, अभिषेक आदि कर्मचारियों ने परिश्रम उठा रहे हैं। वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना संक्रमण मानव जाति पर मानो कहर बनकर टूट पड़ा है। ऐसे में हर आम और खास आर्थिक, सामाजिक और विभिन्न समस्याओं से बेजार हो चुका है। NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।